अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं अमीन शेख जो हमारे शाखा प्रमुख है उनका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे लीडर एकनाथ शिंदे जी तक ये बात जाएगी। मैं ये कार्यक्रम के बारे में उनको बताऊंगा, हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को भी इसके बारे में बताऊंगा। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे बांद्रा वेस्ट विधानसभा में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम अमीन शेख जी और उनके मंडल ने किया है, उनका धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम यहाँ पे सामान्य नागरिक की सेवा के लिए जुड़े हैं और ऐसे कार्यक्रम से हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, आज उनकी सरकार है, उनकी सरकार में हम उनके कार्यकर्ता हो के इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे, ये हमारा योगदान है और ये हम हमारी तरफ से उनके लिए रिस्पेक्ट है। सतीश कुमार उपविभाग प्रमुख 97-98। यहाँ जो जय माता दी मित्र मंडल, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसा प्रोग्राम किया और ये एक स्टेज पे सभी कम्युनिटी जो है एक स्टेज पे है इस टाइम पे। और हमारे जो युवा के कंदारी जी और अमीन जी शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख राहुल मंडी भाई कुणाल सरमलकर और सभी लोग रेखा पवार जी और थैंक्स आपको दक्षता मैम, ये सभी लोग एक दूसरे के काम कर रहे हैं। तो ये सारा शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर सीएम साहब शिंदे साहब उन्हीं के नेतृत्व में ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी दहियंडी उत्सव 2023 में कर रहे हैं हम लोग। और हमारे बीच में आए हमारे निखिल रूपारेल जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स युवा के बहुत ही बड़े हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हमारे को हमेशा मदद करने में हमेशा आगे रहे, हमारे लिए हर काम में ये लोग हमेशा खुद से सामने आए। ऐसा है कि निखिल भाई ने कभी कोई स्पोर्ट्स और कभी कोई ऐसे फंक्शंस ऐसे कभी नहीं छोड़े, हर बार उन्होंने हर स्पोर्ट्स, हर फंक्शन, हर मंडल, हर एक के लिए सपोर्ट किया है और आगे भी वो करते रहेंगे, इतनी हमें आशा है इनसे। मुंबईकरों के लिए और पूरे महाराष्ट्र वासियों के लिए एक ही मैसेज देगी हमारे मंडल से, जय माता दी मित्र मंडल के ग्रुप से एक ही मैसेज जाएगा। और भाई के यूथ आइकॉन हमारे हैं खार के वंडर बॉय निखिल रूपारेल जी, इनके बारे में बोलूँगा, हम लोग एक मुहिम चलाने वाले जो नशा मुक्त खार वो जल्दी चालू होगा इनके नेतृत्व में। प्लस प्लस इस बार डबल प्लस 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 डबल प्लस। बारिश ने लोगों को रुकाया लेकिन हमारे मंडल ने लोगों को नज़दीक लाया, हर साल की तरह इस साल भी हमारा मंडल सक्सेसफुल गया। देखिए एक तो पहले आज का दिन ही इतना अच्छा है और बड़ा है और यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने आकर और इस चीज़ को विटनेस करना ये खुद में ही एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा मोमेंट है। एंड हम लोग हर साल आई थिंक सेलिब्रेट करते ही है दही हांडी, एंड इतना अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पर सबके बीच में एक्चुअली लाइव दही हांडी, वो छोटी सी दही हांडी घर के या सोसाइटी में एक मोड़ने की बात अलग होती है, बट जब इस लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो भी इतने बढ़िया तरीके से जहाँ पे किसी को चोट भी नहीं लगे, एंड एक्चुअली जो उसका जज्बा है वो बाहर निकल के आए और बहुत मज़ा आया। देखा जाए तो पूरे मुंबई भर में आज दहियंडी के दिवस पे पूरी बारिश थी बट फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ, वो एनर्जी का क्या कहना था? वो तो दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ बॉम्बे, वो तो कभी नेवर से डाई वाला है। वो तो मुझे पता ही था सुबह बारिश हो रही थी पर मम्मा ने कहा कि आज इतनी बारिश हो रही है जाएंगे क्या? मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि दही हांडी ना हो, और बारिश में दही हांडी का होना भी एक अपने में बहुत अच्छा एक महत्व है। बिकॉज जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब जब उनको ले जाया जा रहा था तब सबसे ज़्यादा बारिश ही हो रही थी, तो एवरी जन्माष्टमी हम इस चीज़ को विटनेस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो बारिश तो आई थिंक एक अच्छा शगुन है जो जन्माष्टमी में होता ही है। आपका बसारा केयर फाउंडेशन भी है जिससे आप कई ऐसे लोगों की मदद की थी, स्पेशली उनके बारे में क्या कहना? जी हमारा भी हमने बहुत स्लम्स में बहुत सारे लोगों की मदद की है, बेसिकली बच्चों के लिए, स्लम्स के बच्चों के लिए और ओल्ड एज के लोगों के लिए हम मैक्सिमम काम करते हैं। एंड अभी हम जैसे हम लंगर सर्विस देते हैं दिल्ली एनसीआर नोएडा में, उसके अलावा
बॉम्बे में भी वी वॉन्ट टू स्टार्ट द सेम स्लम सर्विस. काफ़ी लोग हमसे अब धीरे धीरे करके जुड़ गए हैं. प्लस हमने एक स्लम कार्निवल किया था जहाँ पर एक बहुत अच्छा यू नो टैलेंट कॉम्पिटिशन हुआ था बच्चों के बीच में. सो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे जो स्लम में हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी की कमी है, उनको वो एक स्टेज दिया जाए, एक मंच दिया जाए हमारे फाउंडेशन के थ्रू, जिसपे वो एटलीस्ट अपना टैलेंट शोकेस कर सके. जी हाँ भैया, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं एंड हम्बल्ड कि मैं आप सबके साथ हूँ और यहाँ पर हमने इतना अच्छा इतना अच्छी एनर्जी विटनेस कर रहे हैं. सो अब तो बस फेस्टिवल शुरू ही होने वाले, गणेश चतुर्थी भी आने वाला है, तो बस त्यौहार लगे रहेंगे. आप सब खुश रहें, हेल्दी रहे, और बस मेरी यही मनोकामना. सच कहूँ तो ये उत्सव ऐसा है जो हर यूथ में एक नया जोश लाता है, और सिर्फ यूथ ही नहीं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ कहीं कोने में खड़े रह के इस जन्माष्टमी का जो हमारा त्यौहार होता है उसका आनंद लेते हैं. ये हमारी भारत एक ऐसी ऐसा देश है जहाँ पे परंपरा और संस्कृति उसको सबसे ज़्यादा माना जाता है, और ये चलती आई हुई परंपरा हम इसी उत्साह से और प्यार से हर साल मनाते हैं, तो इसकी खुशी हम सबको है. जय माता दी मित्र मंडल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब से हम उनको मिले हैं, जिस किसी त्यौहार के मौके पे हो, या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उसके अलावा भी कोई छोटे मोटे काम रोज की जो हम जिंदगी जीते हैं उसमें भी वो जब भी हमें मिलते हैं, तो एक बात उनमें ना हमेशा नज़र आती है कि वो कुछ अलग नया करना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहता है वही बदलाव ला सकता है. और इसलिए मैं उनको हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि वो अपने कार्य में हमेशा आगे जाए और सफल हो. मैडम, इस स्टेज के माध्यम से आप जय माता दी मित्र मंडल के सहयोग से आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि अगर यूथ एक साथ आके ऐसे अच्छे काम करे तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा. तो इनकी तरफ देख के हमें भी ऐसे ही इकट्ठा होके देश के लिए और अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए इकट्ठा होकर काम करना चाहिए. आखिरी सवाल मैडम, इस मंडल के कार्यकर्ताओं के बारे में? जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला, आपके क्वेश्चन को आंसर दिया था कि इस मंडल का हर एक कार्यकर्ता बदलाव लाना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, साथ मिलके अपने देश की संस्कृति परंपरा को साथ लेके खुद को भी आगे करना चाहता है, और हम जब खुद आगे होंगे तो समाज देश आगे बढ़ेगा. यही इनकी खासियत है. थैंक यू.